बीआरसी में मौजूद बीओ को जानकारी ही नहीं कि उनके प्राथमिक विद्यालयों में क्या स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। समस्तीपुर जिला सिंघिया नगर पंचायत अंतर्गत सिंघिया में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सभी की व्यवस्था इतनी लचर है, कहीं पर मास्टर नहीं आ रहे तो कहीं मिड डे मील की क्वालिटी घटिया है। हम आपको बता दें कि इस प्राथमिक विद्यालय सिंघिया 3 में सिर्फ 4 से 5 शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है और जितने भी शिक्षक हैं वह भी एबसेंट है, तथा इस प्राथमिक विद्यालय सिंघिया 3 में हेडमास्टर का कहीं पता ही नहीं चला कि प्रधानाचार्य कहाँ हैं, और बीओ से पूछे जाने पर उनका कहना है कि इस बात की हमें कोई जानकारी ही नहीं। अब आप ही बताइए कि बीओ को यदि इसकी जानकारी नहीं है तो इस प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था कितनी बदतर स्थिति में है। इस वीडियो के माध्यम से देखें और बीओ का क्या कहना है यह भी सुने। हम समस्तीपुर जिला के शिक्षक पदाधिकारी मदन राय जी से कहना चाहेंगे कि कृपया आप सिंघिया नगर पंचायत के सभी प्राथमिक विद्यालयों की जाँच करें और लापरवाह शिक्षक और पदाधिकारियों को निष्कासित करें। बीएनपी न्यूज के लिए सिंघिया से रामनंदन की रिपोर्ट। हम ही फोन किए थे हरजन स्कूल के बारे में, याद आया, ठकुरबारी में शिक्षा अधिकारी को फोन किए थे, मदन राय जी को, भूल गए, बीएनपी न्यूज से हम ही फोन किए थे। और अभी भी वही हम देख रहे हैं, जो कुछ स्कूल का व्यवस्था जो है सो लचर चल रहा है। लमसम तो ठीक है, अभी देख रहे हैं जो टोटल टीचर भी सौ समय आते हैं, सौ समय जाते हैं। अच्छा, एक स्कूल और है, हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं, कन्हैया पोखरी पर है। कन्हैया पोखरी प्राथमिक विद्यालय है, वो भी सालेपुर में नहीं, सिंघिया नहीं, कौन है वो बोले, पंचायत पंचायत 3 के वार्ड 2 में, पुराना वार्ड 2 है, कौन है वो वहाँ पे, सुन समस्या सुनिए, वहाँ पे अभी अभी भी जो है सो 2-3 शिक्षक जो है नहीं आते हैं, जो मुस्लिम शिक्षक है वो नहीं आते हैं। कौन वार्ड में है? अच्छा, दुगो मास्टर जो है हम सुने हैं, जो मुस्लिम मास्टर यहाँ पे कोई पढ़ाते हैं वो आते नहीं हैं यहाँ पे, और हाजिरी बनाते हैं, आते तो हैं नहीं, अभी दिखाई नहीं है, हाजिरी बना के चले जाते हैं, ड्यूटी नहीं को करता। और विद्यार्थी जितना भी है, जितना भी विद्यार्थी है, एक भी विद्यार्थी सही रूप से स्कूल में नहीं रहता। क्या इनका जो कहना है क्या सही है? ये ग्रामीण है, यहाँ मेरा बगल में है, विद्यार्थी रहता है जी? नहीं रहता है। तुम अगर ओडो अगर एफ पी करोगे तो चलो अभी दिखाते हैं। स्कूल में पानी पीने का सुविधा नहीं है, जितना भी विद्यार्थी है टोटल मेरे कल पर जाता है पानी पीने के लिए। ट्यूबवेल है लेकिन बच्चे का अपना है वो जी नहीं, बच्चे का स्वभाव नहीं है। क्या समस्या है? सुने यहाँ पे 2-3 मास्टर जो है सो आते नहीं पढ़ाने के लिए। कितना टीचर का ड्यूटी है यहाँ पर बताओ, कितना टीचर का ड्यूटी है, क्या को शिक्षक इसमें बाहर है? क्या कहना है आपका इनके बात पे? सभी टीचर कितना शिक्षक है?